फोटो के लिए रोकने की जरूरत है जी। देखिए ऐसा है कि इस जिले की पहली घटना नहीं है, 3 महीना पहले भी भुसावलपुर में 7 लोग मारे गए थे और पुलिस पूरे मामले को दबा देती है। जगह जगह हम लोग जा रहे हैं, एक तो सब दलित हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं, और पीकर जब लोग आए और मौत हो गई, एक तो अस्पताल में कोई इलाज का इंतजाम नहीं था, अगर अस्पताल में भी इलाज का इंतजाम होता तो बहुत लोगों को बचाया जा सकता था, और दूसरी बात ये कि लोगों को डराया गया कि अगर पोस्टमार्टम कराओगे तो जेल चले जाओगे क्योंकि शराबबंदी यहाँ लागू है। तो जिस तरह की घटना घटी और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम मुआवजा नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, देख रहे हैं आप किस तरह के गरीब लोग हैं, इनका इन बच्चों का क्या होगा, 5-5, 6-6 बच्चे हैं, पत्नी है, विधवा है, नौजवान पत्नी, कम उम्र की पत्नी है, और मुख्यमंत्री कहते तो आपने गोपालगंज में क्यों दिया मुआवजा। 2016 में गोपालगंज के खजूरबंदी में जब 17 लोग मर गए थे जहरीली शराब से, उस समय 12 लोगों को 4-4 लाख रुपया सरकार की ओर से दिया गया था, तो क्यों दिया गया था उस समय और क्यों नहीं देंगे। रोड पर कोई चल रहा और कोई मर जाएगा और हो सकता है रॉन्ग साइड चल रहा हो तो सरकार देती कि नहीं देती एक्सीडेंट के नाम पर। नाव पर अगर ज्यादा लोग सवार हो गए और फिर नाव डूब गई तो सरकार मदद करती कि नहीं करती है। तो सवाल शराबबंदी का नहीं, सवाल है गरीब लोग हैं और गरीब लोग मर गए। तो नीतीश जी जिस प्रकार की संवेदनहीनता दिखा रहे हैं ये बहुत ही शर्मनाक है। इसे मैंने कहा कि अगर वो ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो नीतीश जी याद रखिए जो पलटी मारेगा वो राज करेगा, ये नहीं चलेगा। पलटी मारने वाले को राज नहीं करने देंगे। और आपने जो कर रहे हैं और जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, हमारे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को फंसाने की कोशिश की जा रही है, बगल में कहीं शराब की बोतल मिली और कहा जा रहा कि साहब उनके घर में शराब की बोतल मिली, तो ये बहुत ही गलत काम हो रहा है और जो भाषा का प्रयोग करें वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी तक एसपी पे कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, एसपी को इससे एसपी को तो सस्पेंड करना चाहिए। इससे मैंने कहा कि 6 महीने में दूसरी बड़ी घटना है, ये पहली घटना नहीं है और अभी तक 3 थाना इसमें इन्वॉल्व है। केवल 1 थाना के 2-3 लोगों को केवल सस्पेंड किया गया। मेरे साथ माननीय सांसद श्री जनार्दन सिग्रीवाल जी हैं, माननीय विधायक जनक सिंह जी हैं, कल से लगातार घूम रहे हैं और हम लोग अपनी ओर से जो थोड़ी बहुत मदद होगी हम लोग करेंगे। इन्होंने ऐलान किया है सिग्रीवाल जी ने कि श्राद्ध के लिए हम राशि देंगे ताकि लोगों का श्राद्ध हो सके और सारे के सारे गरीब। नीतीश जी अभी भी संभल जाइए, हम शराबबंदी के पक्ष में हैं लेकिन ऐसी संवेदनहीनता ये बर्दाश्त नहीं होगी इसको। और ये नरसंहार है, आगे शराब आई कैसे, वो पी लिया तो वो दोषी है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो, क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।